काफी बड़ा है, काफी वजन है इसमें, काफी माल है। शाजीर साहब है उठ जाओ बेटा, धूप है, रोजा रखा हुआ, क्यों गर्मी में बैठे हुए हैं? माशाल्लाह काफी वजनी है जी इसमें जी। कोई अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है अल्लाह ताला की फजल और करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो हम भी जी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। ये बोरा है, इसमें कोई गंदम या चावल नहीं है, ये एक पार्सल आया है इकबाल साहब के नाम पर, तो इसमें काफ़ी माल लग रहा है। तो ये फिलहाल अनबॉक्सिंग नहीं कर रही हूँ मैं, इसकी अनबॉक्सिंग हम ना बाद में करेंगे। आज 22वां रोजा हो गया और मेरा कोई काम अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है। ईद से लेके बच्चों के कपड़े, ईद से रिलेटेड कोई काम नहीं अभी कम्प्लीट हुआ, बच्चों के कपड़े तक नहीं मैं सी सकी। तो आज मैंने सोचा कि पहले मैंने सिलाई करनी है, कम अज़ कम एक सूट सी के तो फिर उसके बाद कोई और काम करना। तो ये फिलहाल शाजीर का सूट प्रेस करने लगी हूँ, क्योंकि ये इसने आज छुट्टी कर लिया है, तो कहता है मामा गर्मी लग रही है नहाना है मैंने, तो इसको दे के उसके बाद मैं कपड़े सिलाई करूंगी, तो फिर इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है जी, और वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जी। फेरी वाले ने बाहर शोर किया हुआ है, कद्दू 100 रुपए किलो, खरबूजा कितने किलो है, कितने रुपए? 150 रुपए खरबूजा। तो आप क्या करने लगे आज, इतने धूप है? कलर कर ले, इसका बड़ा बुरा हाल हो गया दरवाजे का। हाँ जी, ये वाकई, ये तो आप बड़ा अच्छा काम करने लगे हैं। दरवाजे का जो ना पेंट काफी दिनों से खराब हुआ हुआ था, तो कौन सा अभी यही कलर करना है? अभी ये ग्रीन कर दू? नहीं, मैंने सोचा थोड़ी चेंजिंग आ जाए ना, तब्दीली आ जाए। नहीं नहीं नहीं, ग्रीन नहीं अच्छा लगता। अच्छा चलो चेंज कर लें। ये जो डार्क है ना, ये सही नहीं है, क्योंकि ये सेन में है, तो इस पे कोई भी जरा से भी बारिश या पानी छींटे तो ये फिर वाइट वाइट बड़ा बुरा लगता है, इसलिए कोई लाइट कलर कर दे। क्योंकि देखो ना, पहले ग्रीन था, देखो। वो उन्होंने किया होगा, जिन्होंने घर बनाया था उन्होंने तो दीवारों पे भी ग्रीन किया हुआ है, उनकी क्या बात है, उनकी अपनी पसंद होगी, लेकिन ग्रीन ना करें। माशाल्लाह जी, दरवाज़ा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन जनाब ये साथ सीढ़ियों वाला अब अच्छा नहीं लग रहा है, ये देखें सीढ़ियों वाला जरा थोड़ा पे नजर नहीं ना लगती, इसलिए ये दरवाज़ा नहीं। नहीं ऐसे ना करें, कोई थोड़ा बहुत बच्चा तो एक ही कोट कर दें चाहे इसमें क्या। चलो है चलो देखते हैं कुछ। ये बहुत पुराना दरवाज़ा है, ये हमारा कमरा हमने उधेड़ा था तो उसको लगा था, ये काफ़ी साल बेचारा छत पर पड़ा रहा, तो अब रफ तो होना ही है ना फिर, तो ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो गया। शाजीब नमाज पढ़ के आया तो यहीं आके सो गया, असल में अब गर्मी ज़्यादा हो गई है और बच्चों के लिए रोजे रखना। शाजीब, 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 देबी, अरे सुन रहे हो, उठो, 4:15 हो गए, उठो मेरा बच्चा, दूध लेके आओ जाके, उठो, पापा कह रहे हैं दूध लेके आओ, उठो, शाबाश, उठो, हिम्मत करो, उठो 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 जल्दी करो, मैंने जहाँ 4 रुपये पे वो अनबॉक्सिंग करनी है। शाजीब नहीं होश आ रहा, इसे जी ऑफ कैमरा ही जगाना पड़ेगा। अब जी बारी आ गई है उस थैले की अनबॉक्सिंग की, तो 4 पैकेट शामिल थे यहाँ पे, और उसको जो है ना, क्योंकि सामान उसमें ज़्यादा है तो खुल डुल के जरा अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये मेरा ख्याल है यहाँ पे हम 4 पैकेट उठा देते हैं। माशाल्लाह काफ़ी वजन है। इधर तेरे पापा किधर है? साथ साथ जी मैं फातिमा ने मशीन भी लगाई हुई है, कपड़ों का काम भी जारी है, हमने कहा ईद तक ना पर्दे वर्दे धो ले सारे, कवर शवर किए। ये वैसे तो नहीं खुलेगा मैं के पापा जी, ये खुलेगी नहीं, गिरा काटना पड़ेगा ना। चलो काट लेते हैं, काट लेते हैं। ये बड़ी टाइट गिरा लगी हुई है, ये खुलनी नहीं है, इसे काट ही लेते हैं फिर। चलो देखते हैं, भेजे हैं तो उनको भी टेंशन लगी हुई है, कहती है कि मुझे खोल के चेक करके दिखाए कि जो कुछ भेजा है वो सारा पूरा है कि नहीं पूरा,
ये ना रास्ते में किसी ने ऐसा होता है कोई निकाल लेता रास्ते नहीं जैसे गिरा उन्होंने लगा के भेजी है उसी तरह ही है टेपें भी लगी हुई हैं लो जी आखिरकार देखा मैंने कामयाबी हासिल कर लिया ना ते गिरा खुल गई अब बाकी आप खा लो इस तरह की कई दफा काल आ चुकी है सुबह से के मुझे अनबॉक्सिंग करके दिखाएं कि क्या कुछ है अंदर उनको ये फिक्र है फर्स्ट टाइम भेजे ना कहीं कुछ अंदर से मिस ना हो गया मुझे लगता तो नहीं माशाल्लाह काफी अच्छी पैकिंग हुई हुई है ये है जी एक सूट ये टू पीस लग रहा है दुपट्टा है और सॉरी कमीज और सलवार ये सिला हुआ सूट है अच्छा दुपट्टा उसका ये होगा इसमें है ये कुछ दुपट्टे दुपट्टे निकल रहे हैं ये सलवार है कि मैंने शायद ना उन्होंने पानी में डिप की हुई है स्लिंग की हुई है तो इसलिए दुपट्टे जो है वो पैकिंग में और सलवार कमीज़ लगा के अच्छा जी एक ये सूट है दुपट्टा इसका ये होगा ये एक दो और एक ये है जी कॉटन का सूट और एक ये सूट है ये दुपट्टा वाला इसके साथ ये तीन सूट है लेडीज बड़े और एक ये हो गया अच्छा एक ये हो गया ये कपड़े पे कुछ कलर सा लगा हुआ है ये ना ऊपर पानी गिरे तो उसका ये ना दाग आ गया दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ ये लगता है ये कंट्रास्ट है दस ग्यारह बारह और तेरह ये हो गया जी तेरह और ये छोटा सूट है सिला हुआ तो ये जी कपड़े आए हैं कोयटा से और ये इकबाल साहब की सिस्टर होती है वहाँ पे कोयटा वो जॉब करती हैं तो उनकी जो दर्जन है ना जिससे वो आमतौर पे सिलाई करवाती हैं वो शायद आ गई है पंजाब तो उनको बड़ा मसला बन गया आगे गर्मियाँ आने वाली हैं और बच्चों के कपड़े नहीं थे और खुद उनके अपने भी तो वो बड़ी परेशान थी मुझे कहती हैं भाभी ये मसला हो गया तो मैंने कहा मैं इतना कर सकती हूँ कि आप भेज दें तो फिर मैं सिलाई कर दूँगी या मैं सिलवा दूँगी किसी से मुझे टाइम मिला तो मैं कर दूँगी तो जिस तरह से भी है आपका मसला हम हल कर देंगे तो ये अब जी उन्होंने मसला भिजवाएंगे कोई 7 दिन पहले उन्होंने करवाए थे ये काफ़ी लेट पहुंचे हैं क्योंकि ये पानी ऊपर गिरा हुआ है पानी गिरने की वजह से इस कपड़े पे दाग भी आ गया हुआ है और वो एड्रेस जो लिखा हुआ था ना उसके ऊपर फ़ोन नंबर जो है वो डिलीट हो चुका था तो ये ल्यूपड़ के ल्यूपड़ बड़ा औखा जो ना है ल्यूपड़ कह रहे हाँ जी ल्यूपड़ जो है ना ल्यूपड़ के थ्रू ये आए हैं जी ल्यूपड़ तो वो ऊपर से ना इनका फोन नंबर मिट गया था तो जिसकी वजह से लेट हो गया ना उन्होंने रब्ता नहीं किया तो मैंने फिर यही कहा मैंने कहा मैं इतना ही कर सकती हूँ आप तो मैं आपको सिलाई करके भिजवा दूंगी तो अब जी ये उनकी टेंशन हमने खत्म कर दी है ये अब हमारी टेंशन है माशाल्लाह 4 सूट सिस्टर के हैं और 13 सूट बच्ची के हैं
दो उनकी बेटियां हैं जॉब करती हैं, तो सही खुद लेती हैं लेकिन मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं उनको मिलता ना। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बहन भाई एक दूसरे के काम आते हैं तो मैं इंशाल्लाह ये कर दूंगी। तो असल में वहाँ पे अभी ना गर्मी इतनी नहीं आई है, सर्दी है वहाँ पे अभी, तो उन्होंने जर्सियाँ वगैरह भी पहनी होती हैं, तो गर्मियाँ वहाँ शुरू होने तक इंशाल्लाह मैं उनको पहुँचा ही दूँगी। इनको संभाल लेते हैं कपड़ों को जल्दी जल्दी से, और इनकी सिलाई जो है वो हम ईद के बाद आराम से शुरू करेंगे। अभी खोला इसलिए है कि सिस्टर को दिखाना था, उनको भी फिक्र लगी हुई थी, और मैंने कहा खुद भी देख लें फिर इनके मुताबिक हम कोई डिज़ाइनिंग भी डिसाइड कर लेंगे। तो इंशाल्लाह जल्दी पहुँचा देंगे, वो हमारी वीडियो भी देख रही होंगी, तो उनको भी बता रही हूँ कि इंशाल्लाह आपको जल्दी पहुँच जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इसके साथ ही जी आप हमें दें इजाज़त, तो क्योंकि हो गया टाइम अफ्तारी का थोड़ा रह गया, और हमने अपनी कोई अफ्तार या सहरी की इतनी कोई खास वीडियो आपसे शेयर नहीं की है। बहन भाई उनको कमेंट आते हैं कि आप अपनी अफ्तार और सहरी की रूटीन भी शेयर करें। तो कल हम कुछ प्लान कर तो रहे हैं कि कोई अफ्तारी का कुछ खास एहतमाम करें, अगर हो गया तो इंशाल्लाह हम कल की वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो हम एक दो दिन छोड़ के ही वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि कल आपके साथ अपनी अफ्तार की रूटीन शेयर करें। तो फिलहाल इजाज़त दें जी, तो दुआ में याद रखिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।